हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स के न्यू वीडियो पर। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 20 क्वेश्चन जो कि पेपर की दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे पहले मैंने अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स पर कई सारे वीडियोज़ बनाए, तो उन वीडियोज़ को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, एन टाइप अर्धचालक में फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है होल बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। और थर्ड ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त दोनों। फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो इन चार में से एक ऑप्शन आपका सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। पी टाइप अर्धचालकों में अशुद्धि परमाणुओं को ग्राही आयन कहते हैं, क्यों, इसका रीज़न क्या है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है यह अर्धचालक को एक इलेक्ट्रॉन दान है। और थर्ड ऑप्शन दिया गया उपयुक्त दोनों। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका फ्रेंड्स वो सही है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था पी टाइप अर्धचालक में अशुद्ध परमाणुओं को ग्राही आयन कहते हैं, क्यों, इसका जो रीजन है वो यह है यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 23 नंबर क्वेश्चन है। पेपर के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। फ्रेंड, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एन टाइप अर्धचालक में अशुद्धि परमाणुओं को दाता आयन कहते हैं, क्यों। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है यह अर्धचालक को एक इलेक्ट्रॉन दान है। और थर्ड ऑप्शन दिया गया उपयुक्त दोनों। फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन में बोला गया है एन टाइप अर्धचालक में अशुद्धि परमाणुओं को दाता आयन कहते हैं, क्यों। देखो, जो अर्धचालक है जो एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा उसे ही दाता कहेंगे ना, जो ग्रहण करता है उसे ग्राही बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो सही है। यह अर्धचालक को एक इलेक्ट्रॉन दान है, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दान करता है इसलिए दाता बोलते हैं। आपका जो 24 नंबर क्वेश्चन उसे देख लेते हैं। एन टाइप अर्धचालक में दाता स्थिर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है संयोजी बैंड के ठीक ऊपर तथा संयोजी बैंड के बहुत समीप। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है चालन बैंड के ठीक नीचे तथा चालन बैंड के बहुत समीप। और थर्ड ऑप्शन दिया गया उपयुक्त दोनों। फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। चालन बैंड के ठीक नीचे तथा चालन बैंड के बहुत समीप। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 25 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम पर मिलने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 नंबर आपका। पी टाइप अर्धचालक में ग्राही स्तर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है संयोजी बैंड के ठीक ऊपर तथा संयोजी बैंड के बहुत समीप। और सेकंड ऑप्शन दिया गया है चालन बैंड के ठीक नीचे तथा चालन बैंड के बहुत समीप। और थर्ड ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त दोनों। फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। तो आपका जो 25 नंबर क्वेश्चन है जो उसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। संयोजी बैंड के ठीक ऊपर तथा संयोजी बैंड के बहुत समीप। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 26 नंबर आपका क्वेश्चन है। पीएन संधि का निर्माण होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल सकता है आपको 100% एक नंबर पर। दो पी टाइप अर्धचालक, सेकंड ऑप्शन दे रहा है दो एन टाइप अर्धचालक। और थर्ड ऑप्शन दिया गया एक पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। पीएन संधि का निर्माण कैसे होता है,
पीएन संधि का निर्माण में एक एन टाइप अर्धचालक और एक पी टाइप अर्धचालक लगता है, तब पीएन संधि का जो निर्माण होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 27 नंबर क्वेश्चन है आपका। जब पीएन संधि के निर्माण होता है तो किस प्रक्रम द्वारा आवेश इलेक्ट्रॉन व होल संधि पर करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है अनुगमन, सेकंड ऑप्शन दे रहा है विसरण, थर्ड ऑप्शन दिया गया उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो सही है, विसरण। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 28 नंबर क्वेश्चन है आपका। पीएन संधि पर विसरण द्वारा होल या कोटर गति करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है P2N, सेकंड ऑप्शन दे रहा है N2P, थर्ड ऑप्शन दिया गया उपयुक्त दोनों और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कोई नहीं। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए उसी तरह जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, P2N। पीएन संधि में पीएन संधि पर विसरण द्वारा होल या जो कोटर गति करते हैं वो पी से एन की तरफ गति करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 29 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने 28 का बताया उसी तरह क्वेश्चन है। पीएन संधि पर विसरण द्वारा इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है P2N, सेकंड ऑप्शन दे रहा है N2P, थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों और फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। तो आपका जो 29 नंबर क्वेश्चन है जो उसका ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, N2P। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 30 नंबर क्वेश्चन। फिर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम पर मिलने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे क्वेश्चन की सीरीज आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। पीएन संधि पर अवक्षय परत क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है संधि के दोनों ओर की परत जिसमें गतिशील आवेश वाहक होते हैं, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है गति के दोनों ओर की परत जिसमें कोई गतिशील आवेश वाहक नहीं होते हैं और थर्ड ऑप्शन दिया गया उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। इसका जो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स जो बी है वो सही है, संधि के दोनों ओर की परत जिसमें कोई गतिशील आवेश वाहक नहीं होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 31 नंबर है, 31 क्वेश्चन है। फिर मैंने इससे पहले अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स पर कई सारे वीडियोस बनाए, तो आप उन वीडियोस को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। वहाँ पर सभी सब्जेक्टों की लगभग पीडीएफ डाल दी गई, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। विभव प्राचीर या विभव रोधिक रोधिका क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है इलेक्ट्रॉन आवेशों, इलेक्ट्रॉन व होल के संधि के दोनों ओर विसरण के कारण संधि के आर पार एक विभव उत्पन्न हो जाता है, सेकंड ऑप्शन दिया गया है विसरण के बाद पीएन संधि का एन सिरा धनात्मक और पी सिरा ऋणात्मक हो जाता है और थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, उपयुक्त दोनों ए और बी जो आपके ऑप्शन है वो दोनों ही सही हैं। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 32 नंबर क्वेश्चन है। सिलिकॉन में पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर के मान होता है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है 0.3 वोल्ट, सेकंड ऑप्शन दे रहा है 0.7 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन दे रहा है 1 वोल्ट और फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पर आपको दिया गया डी नंबर वो है 10 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर का जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, सिलिकॉन के पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर का मान जो है वो 0.7 वोल्ट होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 33 नंबर क्वेश्चन है। जर्मेनियम के पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर के मान होता है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं। फ्रेंड, ऑप्शन आपको सारे वही फिर से दे दिए गए, तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो सही होने वाला है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। तो जर्मेनियम के पीएन संधि के लिए प्राचीर विभव प्राचीर का क्या मान होगा? 0.3
3 वोल्ट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 34 नंबर क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है बैटरी का धनात्मक टर्मिनल डायोड के पी सिरे से जोड़ा जाता है, तथा बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल डायोड को एन सिरे से जोड़ा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा इस चैप्टर को तो आपके सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से आने वाले हैं। ये सेकंड ऑप्शन दिया गया है, बैटरी का धनात्मक टर्मिनल डायोड को एन सिरे से जोड़ा जाता है, तथा बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल डायोड के पी सिरे से जोड़ा जाता है। और थर्ड ऑप्शन दिया गया है दोनों, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो आपका जो 34 नंबर क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति क्या है? तो उसमें जो बैटरी का धनात्मक टर्मिनल डायोड के पी सिरे से जोड़ा जाता है, तथा बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल डायोड को एन सिरे से जोड़ा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 35 नंबर क्वेश्चन है आपका। पीएन संधि डायोड की उत्क्रम या पश्च अभिनति क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है बैटरी का धनात्मक टर्मिनल डायोड के पी सिरे से जोड़ा जाता है, तथा बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल डायोड के एन सिरे से जोड़ा जाता है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है बैटरी का धनात्मक टर्मिनल डायोड को एन सिरे से जोड़ा जाता है, तथा बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल डायोड पी सिरे से जोड़ा जाता है। और थर्ड ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कोई नहीं। तो आपका जो 35 नंबर क्वेश्चन है जो उसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। बैटरी का धनात्मक टर्मिनल डायोड के एन सिरे से जोड़ा जाता है, तथा बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल डायोड को पी सिरे से जोड़ा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 36 नंबर आपका क्वेश्चन है। डायोड की अग्र अभिनति में अग्र धारा होती है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, सेकंड ऑप्शन दे रहा है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कोई नहीं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। आपका जो 36 नंबर क्वेश्चन है उसका भी ऑप्शन नंबर जो फ्रेंड्स ए है वो सही है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन है। डायोड के उत्क्रम अभिनति में उत्क्रम या पश्च धारा होती है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, सेकंड ऑप्शन दे रहा है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, और थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो इन 4 में से एक ऑप्शन आपका सही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है फ्रेंड्स वो सही है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम पर मिलने वाले, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को। जो आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, डायोड का नी या अपसेट विभव होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है डायोड के उत्क्रम अभिनत में विभव जिस पर उत्क्रम धारा अशून्य हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है डायोड के अग्र अभिनत में विभव जिस पर अग्र धारा अशून्य हो जाती है, और थर्ड ऑप्शन उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, डायोड के अग्र अभिनत में विभव जिस पर अग्र धारा अशून्य हो जाती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 39 नंबर क्वेश्चन है। फ्रेंड, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पीएन संधि डायोड के ब्रेक डाउन या भंजन होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है अग्र अभिनत में उच्च विभव पर, सेकंड ऑप्शन दे रहा है उत्क्रम अभिनत के उच्च विभव पर, थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो इन 4 में से एक ऑप्शन आपका सही है। जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर जो फ्रेंड्स बी है वो सही है, उत्क्रम अभिनत के अभिनत में उच्च विभव पर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 40 नंबर क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जीनर डायोड क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है यह निम्न डोप्ड पीएन संधि डायोड होता है। यह उच्च डोप्ड पीएन संधि डायोड होता है।
और थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। तो आपका जो 40 नंबर क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। यह उच्च अडॉप्ट पीएन संधि डायोड होता है। फ्रेंड्स अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।